Planning leads to rigidity. Let's see. लास्ट लाइन है, घर जाके बुक को पढ़ना. फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड, एज इट इज लाइन उठाई उसने, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान. मेरे से भी गलती होगी देख लो, पर आपको लर्न करके जाने हैं कॉन्सेप्ट. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी की लास्ट लाइन यही है. फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज्ड मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. ठीक है, इसका इस लाइन का मतलब क्या है? अगर आप एज इट इज प्लान फॉलो करोगे और सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई हैं तो आपके फेवर में वो बात नहीं होगी. दिस इज अ लिमिटेशन. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी मींस प्लानिंग, अगर वही पत्थर पे लकीर वाली बात है भाई, अगर आप एज इट इज उसे फॉलो करोगे विदाउट ब्रिंगिंग द चेंजेस इन इट, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इन योर इंटरेस्ट. सो इट इज थर्ड ऑप्शन, इट लीड्स टू रिजिडिटी. 42nd देखिए स्टूडेंट्स, 42nd में ही इज टॉकिंग अबाउट The technique of scientific management given by Taylor, which aims to establish interchangeability, this is standardization. Interchangeability of the manufactured parts and products. Standardization का मतलब क्या होता है? Uniformity है आपके size में, आपकी quality of product में. तो किसी एक show, जैसे मैं example हमेशा देती हूँ, Peter England का showroom है, एक JP नगर में है, दूसरा Model Town में है. Model Town में walk-in बहुत ज्यादा है, वहां पे सेल अच्छी खासी रहती है. जेपी नगर वाला शोरूम पीटर इंग्लैंड का इतना नहीं चल रहा, तो अगर मॉडल टाउन वाले शोरूम में सामान की कमी है तो वो जेपी नगर वाले शोरूम में से मंगवा लेगा, बिकॉज द थिंग्स आर ऑफ सेम क्वालिटी एंड साइज, बिकॉज द थिंग्स आर स्टैंडर्डाइज्ड. सो इंटरचेंजेबिलिटी इज पॉसिबल, ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है. जब आप स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो तो उसमें इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट लिखा हुआ है, दैट इज अ टैग वर्ड ऑफ योर स्टैंडर्डाइजेशन. चलिए जी, ट्रू और फॉल्स बतानी है स्टेटमेंट. For the following two statements, choose the correct option. Advertisement is an impersonal form of communication. कभी भी company face-to-face contact में नहीं आती. Company कहाँ पे बैठी हुई है? हम घर बैठे-बैठे उस company के product की ad देख रहे हैं, तो personal form of communication नहीं है. Face-to-face communication, this is correct. ठीक है, second. Advertisement lacks direct feedback. दोनों ही correct है. Am I right? हमें company को कैसे पता चलना है कि ad के दौरान उन्होंने channel change तो नहीं कर लिया? पता नहीं न्यूज़पेपर वाला एड वाला पेज लोगों ने पढ़ा भी है कि नहीं, तो डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलती. स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग. नो, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सी ऑप्शन है 43rd का मोहित, 43rd सी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए जी, 44th पे आइए. केटीएक्स ग्रुप इज रोलिंग आउट एन इनिशिएटिव टू हेल्प क्रिएट वेल्थ फॉर इट्स एम्प्लॉइज थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. ओके, थोड़ा सा मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है? आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के शेयर्स देते. आई एम राइटिंग इट, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन. ये इस चैप्टर का नहीं है, मोटिवेशन के चैप्टर का. देखते हैं इसने पता नहीं क्यों डाला. आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को देते हो, लेकिन सस्ते में. मान लो मार्केट में उस शेयर की 10 रुपए वैल्यू है, आप अपने एम्प्लॉयज को 8 रुपए में वो शेयर देते हो. In order to make them the parcel, part and parcel of your concern, in order to make your employees as the owner of your company, through motivation and leadership, हाँ उसी चैप्टर का, पर इसने कुछ और के साथ रिलेट किया. Through motivation and leadership of management, the management will help individuals to develop team spirit. Team spirit के साथ काम करेंगे, cooperation होगी, commitment बढ़ेगी हमारे employees की. The following importance of management is highlighted above. Yes, management helps in achieving तो नहीं है, development society भी नहीं है. Management increases efficiency, D है. A है management help. Okay, helps in achieving personal objective है ना. Employees के personal goals तो achieve हुए. आपने अपनी ही company के share उन्हें सस्ते में दे दिए. ठीक है, उनके personal goals क्या होते हैं? They want a part and parcel. They want that they should be treated as the part of the organization. अच्छा, salary के अलावा ये extra benefit नहीं है? सैलरी के अलावा ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना. वही शेयर मार्केट में 10 रुपए का मिलता है, आपका आपकी कंपनी आपको 5 रुपए का शेयर दे रही है. तो इस तरह के बेनिफिट भी तो एम्प्लॉयज चाहते हैं ना. सैलरी तो मिलनी मिलनी है, सैलरी के अलावा कंपनी कुछ एक्स्ट्रा देगी तो उनके पर्सनल गोल्स क्या होंगे? अचीव होंगे. पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, आपको ज्यादा लेबर अपॉइंट करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा मशीनरी चाहिए होगी. This step in the process of planning will involve organizing for labor and purchase of machinery. Identify the step in the planning process being discussed above.
सेटिंग ऑब्जेक्टिव होगा, इंप्लीमेंटिंग द प्लान. इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज, ओके, आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड. दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर. आप ज्यादा लेबर अपॉइंट करो, उनमें ड्यूटी बांटो. और यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया. आपका टारगेट क्या है? आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए. अब आप क्या करोगे? इंप्लीमेंट करना है प्लान को तो मशीनरी नहीं खरीद लो ना, लेबर को ऑर्गेनाइज करो, मीन लेबर में ड्यूटी बांट दो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इंप्लीमेंटिंग द प्लान. वेरी गुड क्वेश्चन ही हैज फ्रेम्ड. प्लानिंग के हर फंक्शन का डिटेल अगर आपने पढ़ा होगा, देन ओनली यू कैन कम टू नो. लेट मी टेल यू, क्या ऐसी एग्जाम्पल बुक में दे रखी है और एग्जाम्पल इसने बनाई है? सेम एग्जाम्पल इज इन योर बुक. For example, if there is a plan to increase production, then more labor, more machinery will be required. This step will also involve organizing for labor and purchase of machinery. Word to word, you need to cram. You need to read. ये example book में से उठाई है. Which step? It is implementing the plan. तो जब मैं इसकी theory को read out करवाती हूँ, तो जो examples होती हैं मैं पढ़ती हूँ. Now it's your duty to learn. आपको learn करनी है ये चीजें. ठीक है ना, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू अपेयर फॉर द एग्जाम. सो नथिंग इज आउट ऑफ एनसीईआरटी. कुछ भी अभी तक ऐसा हमें नहीं मिला जो एनसीईआरटी के बाहर से उसने डाला है. ओनली सिक्स चैप्टर्स आर द पार्ट ऑफ योर फर्स्ट टर्म. सो यू नीड टू रीड इट, यू नीड टू लर्न इट. हाईलाइट करो अपनी बुक को, बार बार पढ़ो, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिटेन. फिर पेपर में रिकॉल करना आपके लिए आसान रहेगा. टेलर प्रपोज 8 स्पेशलिस्ट किसमें है? फंक्शनल फोरमैनशिप में. ये प्रोडक्शन इंचार्ज था, ठीक है, और एक क्या था? प्लानिंग इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज सारा पेपर वर्क करता था, याद है? 8 बॉसेस, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, गैंग बॉस करवाया हुआ, डिसिप्लिनेरियन, स्पीड बॉस, कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क, ये सारे करवाए हुए आपको. ठीक है, अब उसने क्या पूछा? टेलर पर पोस्ट 8 स्पेशलिस्ट फ्रॉम होम ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम as a part of technique of functional foremanship specified by him. Those with technical mastery, intelligence and grit may be given dash work. Those with energy and good health may be assigned dash work. जिनका आईक्यू ज्यादा उन्हें प्लानिंग दो ना, और जिनमें एनर्जी और अच्छी हेल्थ है वो तो हट्टे कट्टे हैं, उन्हें प्रोडक्शन वाला काम दो. मैं वहां पे मैनुअल वर्क करना होगा. दो ही तो है, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन एंड प्लानिंग है कि एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग है? कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. प्लानिंग जिनका आईक्यू ज्यादा है, एग्जीक्यूट मींस जिन्होंने एक्चुअली उन्हें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना. ठीक है, लेट मी सी द चार्ट. वो प्लानिंग और प्रोडक्शन बोलता है कि एग्जीक्यूशन बोलता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फंक्शनल फोरमैनशिप का चार्ट देखें. प्लानिंग इंचार्ज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क है, एंड डिसिप्लिनेरियन है. प्रोडक्शन इंचार्ज स्पीड बॉस है, गैंग प्रोडक्शन बोलना चाहिए था इसको, इसने एग्जीक्यूशन क्यों बोला? मैं लाइन देखती हूँ, लाइन बुक में ही होगी सर. लेट्स सी, 8 पर्सन ही एडवोकेटेड. हाँ जी, लिखा हुआ है उसने. ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम दीज 8 फोरमैन इन द रिलेटेड प्रोसेस और फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन. फोरमैन शुड हैव इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टैक्ट, ग्रिट, जजमेंट, स्पेशल नॉलेज, मैनुअल एंड एनर्जी, ऑनेस्टी एंड गुड हेल्थ. सिंस ऑल दीज क्वालिटीज कुड नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन, तो टेलर ने बोला 8 पर्सन अपॉइंट करो. Each specialist is to be assigned work according to his or her quality. Last line में लिखा है, for example, those with technical mastery, intelligence and grit may be given planning work and those with energy and good health may be assigned execution work. Execution means implementation. Chart में कहीं execution की बात नहीं कर रहा, chart में execution को production कह रहा है, लेकिन नीचे explanation में उसने एक को planning बोल दिया, दूसरे को execution बोल दिया. Again the line ही quote, last line mainly उठा रहा है, पैराग्राफ के इन बिटवीन नहीं. अब पेपर में कैसा हो सकता है, स्टार्टिंग लाइन ही में चेंज द क्राइटेरिया मींस, वैसे तो आपको सारा मैटर पता होना चाहिए, लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं पैराग्राफ्स में से जो एग्जांपल्स हैं वो कोट कर रहा है, या लास्ट लाइंस ही इज पिकिंग, राइट?
So this was planning and execution. A option was correct. A person feeling hungry may get food by offering to give money. एक बंदा जिसको भूख लगी है किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाएगा, पैसे दे देगा और खाना ले लेगा, और सम अदर प्रोडक्ट या कुछ ऐसे बिस्किट या स्नैक्स ले लेगा इन रिटर्न टू समवन हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट द सेम फॉर द फूड. उसको वो दोगे आप पैसा जो उस पैसे को लेने को तैयार होगा और आपको सामान बेचने को तैयार होगा. इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग इलस्ट्रेटेड अबव इज, मेरे हिसाब से एक्सचेंज मैकेनिज्म है, गेटिंग समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग. ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग रिलेशनशिप ए ऑप्शन है 47th का, ए एक्सचेंज मैकेनिज्म. यू वॉन्ट टू बाय समथिंग एंड अनदर पार्टी वॉन्ट्स टू सेल समथिंग. ये भी एग्जाम्पल एज इट इज होगी. अब मेरे पास पार्ट बी अवेलेबल नहीं है क्लास में. दिस एग्जाम्पल ही हैज गिवन इन एक्सचेंज मैकेनिज्म. आप खरीदने को तैयार हैं, आप बंदूक की नोक पे उससे सामान नहीं ले सकते जब तक वो बेचने को तैयार नहीं. तो दोनों तरफ से सहमति होनी चाहिए. बोथ द पार्टीज शुड बी रेडी टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देन ओनली द एक्सचेंज मैकेनिज्म कैन बी कंप्लीटेड. यू नो एक्सचेंज मैकेनिज्म के और भी बहुत सारे बताए हुए हैं. एक्सचेंज मैकेनिज्म के और भी बहुत सारे फीचर्स बताए हुए हैं, लाइक टू पार्टीज शुड बी इन्वॉल्व, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वैलिड. कोई किसी से जोर जबरदस्ती करके सामान नहीं खरीदेगा जब तक अगले बंदे की मर्जी नहीं होगी, आपको वो सामान नहीं मिल पाएगा. लाइक दैट वे ऑल द फोर पॉइंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सचेंज मैकेनिज्म यू नीड टू रीच. असर्शन इज, थैंक गॉड सिंगल क्वेश्चन पहली बार आया. असर्शन है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक डन फ्यूचर के लिए. प्लानिंग इज रीजन है प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर विच इज सर्टन एंड डज नॉट रिक्वायर फोरकास्ट. यहां तक ठीक है. प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर विच इज सर्टन. फ्यूचर इज नेवर सर्टन, फ्यूचर इज अनसर्टन, हां, एंड डज नॉट रिक्वायर फोरकास्ट. हमें भविष्यवाणी करनी पड़ती है. इट रिक्वायर्स फोरकास्ट. इट मींस कि असर्शन इज करेक्ट एंड तो बी ऑप्शन है. इसने मेरे वाला सीक्वेंस नहीं बनाया जो मैं रिविजन टेस्ट में डालती हूँ. मैं पहला बनाती हूँ कौन सा. Both are correct and R is the correct. You need to read it. कि उसने कौन सा sequence बनाया. It depends upon the wish of the examiner, भाई. वो पहला correct, दूसरा wrong पहले डाल सकता है. दूसरा correct, पहला wrong second number पे डाल सकता है. Correct explanation तीसरे number पे डाल सकता है. You have to recognize it. So I am going to read a case study for you. Sarthi, the name has been associated with the manufacturing and sale of fashion products since 1960. 1960 से ये सारथी एंटरप्राइजेस काम कर रही है. तो कितने साल हो गए बेटा जी. 61 years से कंपनी चल रही है. When Kapil Sarthi opened his first retail fashion clothing outlet. So ये इसका इनिशिएटर हुआ कपिल सारथी अहमदाबाद में. अहमदाबाद इज अदरवाइज ऑल्सो फेमस फॉर कॉटन प्रोडक्ट. गुजरात में है ना तो कॉटन प्रोडक्ट के लिए फेमस है सारथी कॉस्मेटिक्स. उसके बाद 1940 में, इससे पहले राधर, सारथी कॉस्मेटिक्स वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन 1940 एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ S&M फैमिली ऑफ द कंपनीज इन 1959. S&M कोई अलग से कंपनी होगी, उसका पार्ट बन गई. फिर सारथी परफ्यूम्स बिगिन ऑपरेशन इन गुजरात इन एन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव S&M फैसिलिटी इन 1985 में. आपने एक नया अपना जोन खोला या अलग से एक डिपार्टमेंट या डिवीजन खोला. वो कौन सा था. सारथी परफ्यूम्स का. वो भी S&M टैग के अंडर खुला. एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन S&M एंड मोस्ट अदर कंपनीज इज दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग एज वन लार्ज कॉर्पोरेशन इट ऑपरेट्स एज 180 स्मॉलर कंपनीज. एक बिग हाउस टाटा बिरला की तरह नहीं है. इसने छोटी छोटी 180 स्मॉलर कंपनीज खोली जिनका सबका फोकस किस पे है. ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड एरिया implying selective dispersal of authority. जहां पे अथॉरिटी डेलीगेट करने की जरूरत है वहां पे वो कर देते हैं डेलीगेट अथॉरिटी. recognizing the decision makers and decision makers need for autonomy. recognizing the decision makers need for forward ठीक नहीं है for autonomy. for दूसरा होना चाहिए. फ्रीडम के लिए जितनी भी अटोनमी उन्हें रिक्वायर्ड है उतनी उनको दी जाती है. एज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज पुश्ड डाउन द चेन ऑफ कमांड सीनियर से जूनियर तक अथॉरिटी आगे क्या होती है डेलीगेट होती है. इट अनेबल्स द कंपनी टू मेंटेन शॉर्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज.
तो कोई लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्ट आप अपने इंप्लॉइज और कस्टमर के साथ बात कर लेते हो एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द टैलेंट। ठीक है, जो भी हमारे पास टैलेंट अवेलेबल है हम एम्प्लॉयज की टैलेंट को एक्सप्लोर करते हैं, उसे यूज करते हैं। सो दिस इज एस एंड एम, और साथ ही एस एंड एम ग्रुप का एक पार्ट है। आइडेंटिफाई द फिलॉसफी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय एस एंड एम थ्रू विच इट इज डिराइविंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग द हायरार्किकल लेवल। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीडम है कि किसी नेक्स्ट लेवल तक की फ्रीडम है? आप बताओ, ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर का पहले तो क्या अथॉरिटी नेक्स्ट लेवल तक जा रही है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन में आप फ्रीडम दे रहे हो? मेरे हिसाब से सारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीडम है तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। देखो बी ऑप्शन, यस यू आर नॉट गिविंग लाइक फ्रीडम टू योर नेक्स्ट लेवल ओनली, हर लेवल पे आपने उन्हें फ्रीडम दे दी है। मतलब जो भी डिसीजन मेकर्स है ना उन्हें आपने सारी फ्रीडम दे दी है कि आप अपनी डिसीजन खुद लो। सो दिस डिविजन और डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटीज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अपना डिसीजन लेने की आजादी होती है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं भाई। Second, why is there need to apply the philosophy being followed by S and M with caution? Why is there need to apply the philosophy being followed by S and M with caution? जो philosophy S and M follow कर रही है, मतलब सारी decentralization, उसमें सावधानी क्यों बरतनी चाहिए? Because authority can be misused. जितनी ज्यादा हम उन्हें फ्रीडम दे देते हैं तो उस फ्रीडम की मिसयूटिलाइजेशन हो सकती है। अब देखते हैं उसने क्या लिखा। एज इट कैन कॉज अ डिले इन द कम्युनिकेशन, वो तो नहीं होगा, डिले तो होता ही नहीं है जब सारी कुछ डिसेंट्रलाइजेशन कर दी, उसको बार बार आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद लेगा, ये तो नहीं हो सकता। एज इट कैन कॉज डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मीन्स लड़ाई झगड़े होंगे, इंटीग्रेशन मिलजुल के काम नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। एज इट कैन इंक्रीज द वर्कलोड, टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड बढ़ेगा थोड़ी ना, कम होगा। As it can reduce the chances of growth of the firm, फिर disintegration है, B है ना? हाँ, ये सोचना पड़ना है और subjectivity based है। Disintegration, देखें अब decentralization का कुछ लिखा हुआ है। Decentralization should be, हमने ये topic अभी किया नहीं वैसे। Decentralization with caution क्यों होना चाहिए? चलो ये टॉपिक वैसे भी एग्जाम्स के बाद करना, नहीं इट नॉट टू वरी, यही टॉपिक हमारा एक रहता है। लिखा लास्ट, फिर से लास्ट लाइन 139 पेज पे कंक्लूजन है। एज अ कंक्लूजन इट मस्ट बी नोटेड दैट इन स्पाइट ऑफ इट्स बेनिफिट डिसेंट्रलाइजेशन, आमतौर पे हमारी आदत पता क्या होती है, मेरिट्स पढ़ लिए, फीचर पढ़ लिए, लिमिटेशन पढ़ ली, चलो खत्म। कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनाया, आई एम रीडिंग दैट पैराग्राफ। एज अ कंक्लूजन इट मस्ट बी नोटेड that in spite of its benefit, decentralization should be applied with caution, as it is wording, as it can lead to organizational disintegration if the departments start to operate on their own guidelines, which may be contrary to the interest of the organization. आपने उन्हें पूरी आजादी दे दी, बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम करेंगे ना, और उनकी मर्जी हो सकता है हमारे गोल्स के बिल्कुल रिवर्स जाए। ठीक है, हर डिपार्टमेंटल हेड अपनी मर्जी से काम करेगा तो हो सकता है कि they will be disintegrating with the organizational goal. वो अपने personal goals को achieve करने की कोशिश करेंगे, अपने department में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे और organizational goals को बिल्कुल side पे रख देंगे। So we need to avoid it. So that's why this policy of decentralization is to be used by S and M with caution. Right? आगे चलते हैं, अभी वही चल रहा सारा। The application of the decentralization के सारे question बनाए। मेरे हिसाब से decentralization ये चार पांच क्वेश्चन हम एग्जाम के बाद करेंगे क्योंकि टॉपिक हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, छोड़ देते हैं, अगला पढ़ते हैं। मोहम्मद कैंजीवाल अ बुक कीपर, नहीं अ बी कीपर, सिंस अप्रैल 2021 इज नाउ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग ट्राइब ऑफ एटलीस्ट 50 अर्बन ड्वेलर्स अक्रॉस महाराष्ट्र। बी कीपर क्या है? हाँ, मगर मक्खियों से वो शहद वगैरह है ना, वही ना। ठीक है, अब इसने अर्बन एरिया में भी अपना ज्वाइंट वेंचर कर लिया है महाराष्ट्र के आसपास, जो अर्बन ड्वेलर्स हैं जो बीज को क्या करते हैं, रेयर करते हैं, रेजिंग बीज, आगे आ भी गई लाइन, एंड हार्वेस्टिंग हनी फ्रॉम देयर बालकनीज, रूफ टॉप्स, छतों पे लगे होते हैं ये छते, बैक गार्डन, गार्डन एरिया में भी लगे होते हैं। एज ही हैड फोकस्ड on eating
Right, the thought of domesticating honey bees to promote healthy consumption habits, क्योंकि वो मार्केट में लोगों को बताना चाहते हैं कि हनी का को अगर आप इनटेक करते हैं तो इट इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, आपकी ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव होंगी एंड इट विल बी गोइंग टू गिव यू न्यूट्रिशियस वैल्यू एज वेल. एंड सीइंग हनी बीइंग कल्टीवेटेड राइट बिफोर हिज आईज वाज मेसमराइजिंग फॉर हिम. उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसके सामने सारा प्रोसेस होता है और बीज के छत्तों में से हनी को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. आइडेंटिफाई द फैक्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग द जनरल एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव. जनरल एनवायरनमेंट इकोनॉमिक तो नहीं हो सकता, इंटरेस्ट रेट की बात, मार्केट की बात तो कुछ भी नहीं करी. सोशल एनवायरनमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल भी नहीं हो, सोशल है क्योंकि ईटिंग हैबिट्स है ना. सोसाइटी में रहने वाले लोगों की ईटिंग हैबिट्स को इंप्रूव करना है. एग्जाम्पल दे रखी है उसने, लाइक नाउअडेज द पीपल आर गोइंग टू हेल्थ स्पास और जिम्स एटसेट्रा, दे यूज टू टेक द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, होम मेड प्रोडक्ट्स. तो सोसाइटी के लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस की बात करिए, सो दैट्स व्हाई इट इज बी सोशल एनवायरनमेंट. अब अलग अलग केस स्टडीज हैं, एक केस स्टडी में से यही बना. आगे पढ़ो. जोलो अ मार्केटर ऑफ कार्स हैविंग 40% ऑफ द करंट मार्केट शेयर ऑफ द कंट्री एम्स एट इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर 70%. 40% एट प्रेजेंट मार्केट में इनकी कार्स बिकती हैं, अब वो 70% तक अपना शेयर लेके जाना चाहते हैं. फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइड द एक्शन प्रोग्राम कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिस्कस्ड अबव. गैदरिंग एंड एनालिसिस, बी प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड मार्केट प्लानिंग, मार्केट प्लानिंग, डी ये एग्जाम्पल दे रखी है बुक में. जब वो टीवी की एग्जाम्पल थी, एट प्रेजेंट दे आर मैन्युफैक्चरिंग टीवी और प्रेजेंट शेयर उनका 20% है, दे वांट टू इंक्रीज. ठीक है, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल किसकी दे दी, कार्स की. स्टाइल एंड फिट ऑफ फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू ऑफर 50% ऑफ ऑन ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट ड्यू टू फॉल इन डिमांड. उनका सामान नहीं बिक रहा था तो उन्होंने ऑफ लगा के बेचा. एज मोर एफिशियंट सब्स्टिट्यूट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में उनके जैसे फुटवेयर और भी कंपनी उसने बनाने शुरू कर दिए. आइडेंटिफाइंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड बाय फर्म विच हैज मेड द फर्म रिजॉर्ट टू द डिस्काउंटिंग इट्स प्रोडक्ट. मार्केट शेयर लीडरशिप हो सकता है, सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप. सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट भी, कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए आप अपना प्राइस कम कर दोगे तो बिकेगा. ये प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है. सिक्स्थ पॉइंट, फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइसेस, बाकी कल करेंगे मैं डिस्कस. ओनली 3 क्वेश्चंस हैव बीन लेफ्ट. सो यू विल फाइंड 45 क्वेश्चंस इन योर अकाउंटेंसी पेपर. आपको 45 के 45 अटेम्प्ट करने हैं. बाद में हम लोग उन 45 के अटेम्प्ट्स को, वैसे 40 मार्क्स का पेपर है, 0.88 से मल्टीप्लाई करके आपका स्कोर अनाउंस करेंगे और वी विल कन्वर्ट इट. 45 में से 45 ठीक है तो 40 में कन्वर्ट कर लेंगे. कन्वर्शन स्कूल का पेपर 45 क्वेश्चन. मैंने बोर्ड ने जितने अटेम्प्ट करने को बोले हैं ना, मैंने वही डाल लें. और इधर यू विल फाइंड 50 क्वेश्चन. और यहाँ पे तो सीधा जैसे इकोनॉमिक्स वाले मैम ने भी बता दिया होगा, 50 ही आपको अटेम्प्ट करने, चॉइस तो नहीं डालनी ना हम लोगों ने. दैट इज द पॉलिसी ऑफ आवर स्कूल. तो 50, वी जस्ट वांट टू ट्रेन यू कि आप उतने टाइम पीरियड में 90 मिनट्स में 50 या 45 क्वेश्चन कर लोगे. 45 ऑल आर कंपल्सरी एंड हैविंग द इक्वल वेटेज. उधर बनेगी 0.88 वेटेज पर क्वेश्चन, हम कन्वर्शन अपने आप कर लेंगे, दैट इज नॉट योर हेडेक. ठीक है, और इधर तो डायरेक्ट बनती है 0.8. ठीक है, अगर किसी के 20 ठीक है, 50 में से तो 16 नंबर है, 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना. अगर 30 ठीक है तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, 24 नंबर है, वो तो सीधा बन जाएगा. उधर हम कन्वर्शन कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि वहां पे राउंड ऑफ नहीं बन रहा, 0.88 पर क्वेश्चन वेटेज बन रही. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप योर माइंड. यू हैव सच प्रैक्टिस कि आप उतने टाइम पीरियड में क्वेश्चन